हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर के चंद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, हु इज़ द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? इट शुड बी हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए हैबरलैंड, क्योंकि अगर टिश्यू कल्चर हो तो हैरिसन वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी। द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए हमें सेल सस्पेंशन रिक्वायर्ड होता है। सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विद। सोमैटिक एम्ब्रियो को हम सोडियम एल्जिनेट के साथ कवर कर देते हैं या कैप्सुलेट कर देते हैं, तो हमारे पास सिंथेटिक सीड जो है वो बन जाता है। हार्मोन पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफ्रेंशिएट आर ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस हमें चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा इसमें से। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज एज क्रायोप्रोटेक्टेंट। द मोस्ट वाइडली यूज केमिकल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एज फ्यूजोजेंस इज PEG हम जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साइब्रिड्स जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स कहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो स्पीशीज़ का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, या दो एक्चुअली एक स्पीशी के दो पेरेंट्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस सेम रहता है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशीज़ बट साइटोप्लाज्म फ्राम बोथ द पेरेंट स्पीशीज़, दैट इज़ सी। कैलस हम किसे कहते हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पार्ट ऑफ द प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड एक्स प्लांट जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग एपिकल डोमिनेंस इज कौन सा हार्मोन ग्रोथ हमारे पास एपिकल डोमिनेंस प्रोड्यूस करता है? दैट इज ऑक्सिन। मीडियम दैट इज कंपोज ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड इज सिंथेटिक मीडिया, जो कि हमारे पास हमने खुद सिंथेसाइज किया होता है, उसमें हमारे पास डिफाइंड और अनडिफाइंड मीडिया। टू ऑब्टेन द हैप्लॉइड प्लांट वी कल्चर, कैसे हम हैप्लॉइड प्लांट जो है वो ले सकते हैं? एपिकल बर्ड एम्ब्रियो न्यूक्लियस या फिर एंटायर एंथर। एंथर हमारे पास क्योंकि मेल पार्ट होता है और वो हैप्लॉइड होता है, मियोसिस से बनता है, इसका मतलब है वहाँ से हम हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन, हमारे पास ऐसी वेरिएशन होती हैं जो टिश्यू कल्चर के दौरान हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। विच इज द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक ही सेल हमारे पास जो है पूरे प्लांट में या पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज होने की पोटेंशियल रखता हो, तो हमारे पास जाइलम, सीव ट्यूब और कॉक सेल्स जो हैं ये तो हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स हैं, तो इसका मतलब है ये ऐसी एबिलिटी नहीं रखते। मेरिस्टम जो है वो हमारे पास ये एबिलिटी रखते हैं। विच वैक्टर इज मोस्टली यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट? सबसे ज़्यादा हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।